Hey guys, this is Jassi, Faculty of English. Thank you so much for tuning our channel. हमने अपनी last video में discuss किया था use of WH families. हमने 9 WH families के अलावा preposition लगा के हमने और भी WH families बनाई थी. आज हम बात करने जा रहे हैं common mistakes in WH family. क्या common mistakes आप लोग करते हैं जिससे आपका sentence गलत बन जाता है? आज मैं आपको एक formula बताने वाला हूँ जिसकी help से आप अपने सारे sentences जो हैं वो 100% correct बना सकते हैं. उससे पहले मैं आपको दोबारा एक reminder दे देता हूँ कि जो 9 WH family थी main हमारी वो सारी ये लिखी हुई हैं. When का मतलब कब, What का मतलब क्या, Why का मतलब क्यों, Who का मतलब कौन या किसने, Whose का मतलब किसका, Which कौन सा, Where कहाँ, Whom किसे, How कैसे. ये थे हमारे total 9. अब मिस्टेक्स होती क्या है? मैंने आपको बताया था कि WH फैमिली को बनाने का हमारा एक फॉर्मूला है, वो था हमारा WH फैमिली को हमने पहले लिखना है, ठीक है. उसके बाद हमारी जो भी हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो, देन सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. वर्ब मैंने आपको बताई थी, या तो इसमें वर्ब के हमारी फर्स्ट फॉर्म आएगी या थर्ड फॉर्म आएगी, या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमारा आईएनजी का यूज किया जाएगा. अब आप यहां पर देखेंगे कि मैंने ना कुछ यहां पर लिखा हुआ है कि अगर हम क्वेश्चनिंग करेंगे तो हमारे ये लगेंगे और इनके हिंदी मीनिंग ये बनेगा, लेकिन अगर हम आंसरिंग करते हैं तो हमारा इन्हीं वर्ड्स का जो मतलब है वो चेंज हो जाता है. कब का मतलब हमारा जब बन जाएगा, व्हाट का मतलब हमारा जो हो जाएगा, व्हाई का कोई मतलब नहीं बनेगा आपका, हु का मतलब यहाँ पे जो या जिसने बन जाएगा, हूज का मतलब जिसका बन जाएगा, विच का मतलब जोन सा बन जाएगा, अवेयर का मतलब जहां बन जाएगा, हुम का मतलब जिसे बन गया, एंड हाउ का मतलब हमारा जैसे बन गया. अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसी चीज को हम यहां पर देखते हैं. सपोज हमारा एक सेंटेंस है, हमारा इस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए हमने लिखा, व्हेन विल यू कम फॉर पार्टी. यानी इसका मतलब हुआ कि आप पार्टी के लिए कब आओगे. ये हमने फॉर्मूला फॉलो किया, पहले हमने डब्ल्यूएच फैमिली का यूज कर दिया, हेल्पिंग वर्ब हमारे टेंस के अकॉर्डिंग, फिर हमारा सब्जेक्ट, वर्ब, लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आ गया. अब कॉमन मिस्टेक होती क्या है, अगर आपने ये हमारी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद लगा दी तो इसका पूरा मतलब चेंज हो जाता है. जैसे अगर आप इसको बना देते हो, व्हेन यू विल कम फॉर पार्टी, तो ये मेरा क्वेश्चन नहीं बना, ये मेरा आंसर बन गया. उस केस में हमने क्या किया, अब ये जो मेरा WH वर्ड था जिसका मतलब यहां पर था कब, अब वो यहां पे मतलब बन गया इसका जब. यानी पहले मैं आपने पूछा कि आप पार्टी के लिए कब आओगे, अब यहां जवाब आपका आ रहा है जब आप पार्टी के लिए आओगे. समझ में आया आप लोगों को? तो ये सबसे बड़ा एरर होता है, हमें अपने इस रूल को नहीं भूलना चाहिए. अगर आप इस रूल को फॉलो कर रहे हैं तो हमेशा आपका क्वेश्चन ही बनेगा. हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमने यहां पर लिखा, हाउ आर दे लर्निंग इंग्लिश, यानी वे इंग्लिश कैसे सीख रहे हैं. अब अगर हम इसको बना देते हाउ दे आर लर्निंग इंग्लिश, तो ये हमारा रॉन्ग बनता, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन ना बनके जवाब आ गया. तो यहां हमारा आता है कैसे वे इंग्लिश सीख रहे हैं. अगर मैं बताता हूं कि हाउ दे आर लर्निंग इंग्लिश, तो यहां पे हमारा कैसे का मतलब बन जाता है जैसे, ठीक है. तो यही सबसे बड़ा हमारा कॉमन एरर था जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था. हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल हमारा, व्हाट इज ही डूइंग नाउ, यानी अब वह क्या कर रहा है. अब अगर मैं इसको बनाता हूं व्हाट ही इज डूइंग नाउ, तो ये मेरा बन गया कि जो वह अब कर रहा है. तो समझ में आया आप लोगों को, हमें WH फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब का ही इस्तेमाल करना है. सबसे बड़ा जो एरर है वो यही है कि लोग क्या करते हैं, वो WH फैमिली के बाद सब्जेक्ट यूज कर देते हैं, फिर अपनी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं. और अगर आप ऐसा करते हो तो आप इन वर्ड्स की बात कर रहे हो, आपका WH जो वर्ड है वो क्वेश्चन ना बनकर एक जवाब का काम करने लग जाता है. तो दिस इज द मेन कॉमन एरर एवरीबॉडी डज व्हाइल मेकिंग देयर सेंटेंसेस ऑफ WH फैमिली. तो आप ये मिस्टेक प्लीज ना करिए और इस फॉर्मूले को याद रखिए, इन सभी वर्ड्स को इस्तेमाल कीजिए और सही तरीके से अपने सेंटेंसेस को बनाइए. होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, और अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी हिट कर दें. दिस इज जस्सी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.